हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक में अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ये आखिर क्यों मिलती है। और आप यहां पर देख पा रहे हैं प्रोफाइल हैव सेम इशू, ठीक है। अब ये आखिर क्यों देखने को मिलती है, ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपने कोई भी पेज बनाया है और उस पेज पर आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं और वो वीडियो या फिर पोस्ट आपकी फेसबुक में, ठीक है, तो वो आपको सेक्सुअली से रिलेटेड होती है। कई बार ऐसी होती है कि हम सेक्सुअली से रिलेटेड हमारी पोस्ट नहीं होती है, पर उन्हीं व्यक्तियों की होती है जो फेमस लोग होते हैं, ठीक है, तब आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो अगर आपने जिस भी तरीके की, अगर आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन किया है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को आखिर हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। इसी के साथ में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं यहाँ से स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो मोनेटाइजेशन है वो इस पर आकर आपका इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने कोई पेज बना रखा है और आप उससे अर्निंग कर रहे हैं और इस तरीके की कोई भी वीडियो आप यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, तब जो आपका मोनेटाइजेशन है वो समझो यहाँ पर खतरे में आता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको प्ले स्टोर से फेसबुक लाइट एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो मेरी प्रोफाइल है वो यहाँ पर ठीक हो चुकी है और अब ये कम्युनिटी गाइडलाइंस है वो यहाँ से हट चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हटा सकते हैं, ठीक है। हटाने के लिए आपको सबसे पहले मैं यहाँ से इसे कट कर दूंगा बैक करके। चलिए मैं इसे कट कर देता हूँ। फेसबुक लाइट एप्लीकेशन को आपको इसे ओपन कर लेना है। अब आप कहेंगे कि फेसबुक लाइट एप्लीकेशन में ऐसा क्या है, ठीक है, यही यानी कि फेसबुक ही है ये भी, ठीक है, सेम है, पर इसमें जो कुछ ऑप्शन है आपको ऊपर ही देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको ओपन कर लेना है और अपनी आईडी से लॉगिन करने के बाद आप यहां पर थ्री लाइन पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपको नीचे से दूसरा वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में कंटिन्यू पर सिंपली क्लिक करेंगे, रिपोर्ट्स पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर रिपोर्ट्स पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में अब आपको जिस भी तरीके की दिक्कत आ रही है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर सारी प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आपको पेज से रिलेटेड दिक्कत आ रही है तो आपको यहाँ पर ये पेज वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं इस पर सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में अब आपको ऊपर में यहाँ पर टाइप करना है। अब जिस तरीके की दिक्कत आ रही है उसी को आपको टाइप करना है। तो चलिए मैं यहाँ से बैक करूँगा और ट्रांसलेट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। उस स्क्रीनशॉट को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से इसे सिंपली इसे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ से बैक करूँगा और उसी में जाकर मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद में अब आपको अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, लिखना चाहें तब, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा था कि आप मेरी जो वीडियो को दोबारा चेक करें, ठीक है, इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद में आपको स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना है। जिस जिस तरीके की आपको दिक्कत आ रही है तो मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको इसमें कुछ भी करना नहीं है, आपको यहाँ से सेंड कर देना है सिर्फ, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से सेंड पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा थैंक्स फॉर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 24 घंटे तक इंतज़ार करना है। अगर नहीं होती है प्रॉब्लम सॉल्व तो आपको यहाँ पर दोबारा करना है और इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियोस को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।